मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of June 2022। आइए देखते हैं कि कल क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और आने वाले दिन में क्या क्या हो सकता है। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.56, काफी क्रूशियल है बिकॉज मीन्स लॉट मेनी डेटाज इवेंट्स आर लाइंड अप। आज है आपका ईसीबी का रेट डिसीशंस, फॉलोड बाय कल का यूएस सीपीआई, देन ऑन 15th of June एफओएमसी रेट डिसीशंस। तो बिकॉज ऑफ दिस थ्री बैक टू बैक इवेंट्स, मार्केट इज टेकिंग ए पॉज, स्पेशली द यूएस सीपीआई, बिकॉज आफ्टर यूएस सीपीआई वी मे एक्सपेक्ट सम मोमेंटम इन आइदर डायरेक्शंस। तो यहाँ पे बेसिकली अभी आज और कल के लिए ज्यादा कुछ एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, इसी भी का रेट डिसीजंस के बाद यूरो में एक मोमेंटम आ सकता है ऑन आइदर डायरेक्शंस। देन सीपीआई तक थोड़ा सा पॉज रहेगा, उसके बाद आफ्टर द सीपीआई, यूएस सीपीआई, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में हमें एक अच्छा खासा डायरेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ the data is surprising either on the downward side or on the very much on the much more than the expected data. अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर हम डॉलर रुपए में देखेंगे, डॉलर रुपए में वही सेम पिछले दो ढाई हफ्ते का किसी की बात, कंसोलिडेशन रेंज बाउंड। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आता है तब तक कोई नया स्टोरी नहीं है, नया स्टेटमेंट नहीं है, तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा कि कब ये कंसोलिडेशन के बाहर आए। बहुत ही बड़ा सरप्राइज है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। हम यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर की तरह प्रेडिक्शंस करने के मूड में है नहीं, क्योंकि हमें ओपन रहना है एंड ऑल्सो द डिफरेंट इंडिकेटर्स क्लियरली कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हल्का ये टेंडेंसीज है कि नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन वो भी जो इंडिकेशन से इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसीलिए हमें कोई और रास्ता नहीं है कि हम ये ब्रेकआउट के लिए इंतजार करें ऑन आइदर साइड। अगर हम जीबीपी डॉलर में देखेंगे, जीबीपी डॉलर में कल एक सेल ऑफ कैंडल आया, मॉडरेट सेल ऑफ था एंड यहाँ पर भी वो साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। मे बी द मार्केट इज वेटिंग फॉर फ्राइडेज यूएस सीपीआई, उसके बाद कुछ एक एक्टिविटीज हो सकता है। अगर हम यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में कल एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, नैरो रेंज कैंडल, और बेसिकली आज 5:15 PM का इंडियन टाइम में जो है ईसीबी रेट डिसीजन, तब तक ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा एंड 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ही एक आइदर डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन में काफी तेजी है, अभी है 134.24। तो बेसिकली ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, अभी हमारा लास्ट ये पॉइंट है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है, दैट इज माय आवर लास्ट दिस वन, ये पर्टिकुलर जोन का जो एक्टिविटीज है इसका एक लास्ट रेजिस्टेंस लाइन। बेसिकली सेल ऑफ यहाँ पे नहीं आ रहा है, उसका मेन रीजन यही है कि पॉलिसी मेकर्स बीओजे क्या कर रहा है कि दे आर सपोर्टिंग द वीकर येन। बार बार वही ये लोग दोहरा रहे हैं कि इट इज पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, ओनली कंसर्न इज दैट दे आर नॉट मींस इंटरेस्टेड टू सी ए शार्प मूवमेंट इन डॉलर येन, ग्रेजुअली आप जा रहा है, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट वन। तो अभी हमें यहाँ पे एक आइदर नेगेटिव कैंडल देखना है फॉर सेल ऑफ, और नहीं तो हमें एक पुल बैक देके फिर ऊपर की तरफ जाने का एक्टिविटीज में इंतजार करना है। अगर हम जीबीपी आईएनआर देखेंगे, जीबीपी आईएनआर में कल एक नेगेटिव कैंडल बना है, अपर रेंज में काफी
रिजेक्शंस आया है. व्हाट इट मींस, यहाँ पे थोड़ा सा आपका साइडवेज वॉलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है. ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा है ऑन RSI, इसके नीचे अगर कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है, एंड उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेड लाइन है, दैट इज अ 0.50, इसके नीचे भी क्लोज दे देता है, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट सम सेल अपटिक्स वाला स्ट्रेटेजी. टिल दैट टाइम साइडवाइज वॉलेटाइल चॉपी मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. अगर हम यूरो INR देखेंगे, यूरो INR में भी एक यहाँ पे एक पॉज आ रहा है, एंड ये अगर आज ट्रेंड लाइन के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है, इन सच ए सिनेरियो सेल ऑप्टिक्स विल बी कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग डेज. अगर ये इसके हाई के ऊपर टूट जाता है ऊपर की तरफ, देन वी मे एक्सपेक्ट 84.60. सो बेसिकली यहाँ पे हम कोई ट्रेंडेड व्यू नहीं ले रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. आप हमारा एनालिसिस देखोगे तो कभी कभी हम एक बायस ले लेते हैं जहां पे एक इंडिकेशंस आता है. आपको याद होगा जब इस पर्टिकुलर डे के बाद हमारा एक पर्टिकुलर यूरो आइनर का एक व्यू था कि ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स आपका 83.50. ये डेट मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 मई का डेली एनालिसिस वाला होगा. तो यहाँ पे एक रीडिंग्स मिला था जिसके बेसिस पे हमने पूरा का पूरा बायस हो गया था कि यहाँ पे जाना है, लेकिन यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं है तो हम यहाँ पे कोई बायस क्रिएट नहीं कर रहे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई प्राइस तू हमें बता दे कि तू किधर जा रहा है. अगर हम ये नया देखेंगे, काफी क्विकनेस बरकरार है यहाँ पे. तो अभी यहाँ पे हमें इसको सेल ऑप्टिक्स ही कंटिन्यू करना है. इसके लिए क्या करना है कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके जब भी एक आपका पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद हमें सेल ऑफ करना चाहिए. देखिए यहाँ पे नीचे मारा था, फिर पुल बैक आया, उसके बाद कुछ, फिर यहाँ पे कुछ इनसाइड वर्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे जो डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, मैं आने वाले दिन में डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपके सामने लाने वाला हूँ. अभी हमने बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस चालू किया है, जहाँ पे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. वो जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजीज पे आएंगे, एंड वहां पर भी हम लिमिटेड स्ट्रेटेजी ही डिस्कस करेंगे. मे बी 10 से 15 स्ट्रेटेजीज, बाजार में हजारों स्ट्रेटेजीज हैं, हजार मुंह, हजार तरीके, हजार स्ट्रेटेजीज, लेकिन हम हजारों तरीके देखने का कोशिश नहीं करेंगे. जो हमें आता है उसी में हम सोचने, समझने और परखने का कोशिश करेंगे. अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी अभी यहाँ पे थोड़ा सा कल एक पुल बैक आया है, एंड आज थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग में एक ग्रीन कैंडल बनाने का कोशिश कर रहा है. अभी हमें ये देखना है कि ये जो रेड लाइन है RSI के ऊपर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या इसको क्रॉस करके फिर सपोर्ट लेता है, वो हमें देखना है. अगर क्रॉस किया उसके बाद सपोर्ट लिया, देन हम अपना जो गड्डी है, शॉर्ट का जो गड्डी था उसको घुमा के फिर लॉन्ग की गड्डी में बैठ जाएंगे. अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आता है तो हम कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट वाला व्यू के लिए. ऑसी डॉलर देखेंगे, ऑसी डॉलर में यहाँ पे कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है और अभी भी थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रहा है. अभी हमें ये देखना है कि आपका 7 जून का लो जो है, इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है आज के दिन, एंड आने वाले दिन में उसका फॉलो थ्रू नीचे की तरफ मिलता है, तो ऑसी डॉलर में हमें एक पुल बैक यानी आपका रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं. अगर हम CNH देखेंगे, CNH में वही
कांड है, देखिए ये जो लेवल था इसके नीचे 2 दिन ट्रेड हुआ लेकिन कभी भी क्लोज नहीं दिया, एंड उसके बाद ऊपर की तरफ आ गया है। अभी हमें देखना है कि ये प्राइस जो है सेंटर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या सेंटर बैंड को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है। अगर सेंटर बैंड के आसपास एक अच्छा खासा निगेटिव कैंडल आता है, बियरिश कैंडल आते हैं, देन हमें एक फिर दोबारा यहाँ तक एक ये लेवल तक सेल ऑफ देख सकते हैं। अगर हम ब्रेंट ऑयल देखेंगे, यूके ब्रेंट ऑयल, तो यहाँ पे काफी तेजी है, लेकिन अभी ये जो हमारा रेंज था 124 उसको चैलेंज कर रहा है, यानी हमें अभी इसको चैलेंज करने के बाद हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है 127.25 के आसपास, फिर हमारा जो रेजिस्टेंस आ सकता है आपका 131.50 के आसपास। तो एज ऑफ नाउ जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे अभी अपर एंड में है। अपर एंड में हमें पुल बैक से बाई करने का एक सोच सकते हैं, या अगर कोई अच्छा सा नेगेटिव कैंडल आता है तो सेल ऑफ के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा थोड़ा बायस हल्का सा बाई की तरफ है, बाई डिप्स हम कर सकते हैं। अगर हम 10 ईयर यूएस ट्रेजरी देखेंगे कि आपका 7 जून में एक नेगेटिव कैंडल दिया था, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला, दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न इससे, और उसके बाद एक अच्छा खासा बुल कैंडल आया, फिर आज भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी आपका 7 जून का हाई के ऊपर फिर दोबारा एक नया टेरिटरी के लिए ये मूव हो रहा है। वही है कल यूएस सीपीआई डाटा तक ये ऊपर की तरफ कोशिश करेगा। एक बार डेटा आ गया उसके बाद एक डिसाइसिव डायरेक्शन होगा, इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।